नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता और मेरे साथ है मेरे सहयोगी नवेद कुरैशी। महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त भूचाल है। आप परिचित होंगे इस चीज से कि सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक पर महाराष्ट्र की सियासत की चर्चा हो रही है। भूचाल कैसे आया है? खबर ये मिल रही है कि एकनाथ शिंदे का इस्तीफा नवेद से लिया जा सकता है और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। फिर खबर ये भी आ रही है कि जिस तरीके से अजीत पवार आगे आ रहे हैं तो ये बीजेपी का दूसरा प्लान यानी प्लान बी हो सकता है। आगे आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन सवाल ये उठता है ऐसी स्थिति बनी क्यों? और दूसरा सवाल ये कि एकनाथ शिंदे के साथ क्या वही चीज नहीं हो रही जो उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ की? तो इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएं। उससे पहले एक जानकारी आपको और दे दूं, नवेद सर, सी वोटर ने सर्वे किया महाराष्ट्र में और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। मेरे लिए चौंकाने वाला था, लेकिन हो सकता है आप इससे इत्तेफाक ना रखें। उद्धव ठाकरे को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं कि वो महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होने चाहिए। दूसरे नंबर पर देवेंद्र फडणवीस है 26% वोट के साथ और फिर 11% वोट के साथ अजीत पवार तीसरे नंबर पर। यानी वहां की जनता भी एक तरीके से सिंपैथी दे रही है उद्धव को और ये चाह रही है कि उद्धव ही सत्ता में वापस लौटे। सर देखिए, हमने नम्रता इससे पहले भी ये स्टोरी की थी और मेरे ख्याल से NMF NMF पे सबसे पहले वो खबर दी थी कि महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं है, जल्दी वहाँ पर कुछ रद्दोबदल होगा और उसकी खबरें अब दिखाई देने लगी हैं। रद्दोबदल के पीछे जो सबसे बड़ी वजह, जो सर्वे आपने बताया, ये सर्वे सी वोटर ने कराया है अभी, जिसमें उद्धव ठाकरे सबसे आगे दिख रहे हैं। सहानुभूति है उनके प्रति वोटर्स की, बाला साहेब ठाकरे का परिवार और उस परिवार की जो अलग अलग रैलियां कर रहे हैं उसमें सहानुभूति उन्हें मिलती हुई दिखाई दे रही है। यही जो सर्वे है, ये सर्वे अलग अलग पार्टीज वक्त वक्त पर कराती रहती है और खासकर अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी हर 3 महीने में एक सर्वे कराती है, जहां पर सरकार चल रही है वहां पर भी, जहां पर इलेक्शन होना है वहां पर भी। और अभी तो देखिए आम चुनाव की तैयारियां आप जानते हैं कि बीजेपी पहले से करना स्टार्ट कर देती है और उसी को लेकर जो सर्वे आ रहे हैं उन सर्वेज में दिखाई दे रहा है कि शिवसेना वजूद में है। और ये मानना पड़ेगा, देखिए जो महाराष्ट्र में जो सियासी इक्वेशन है, जो पॉलिटिकल इक्वेशन बना हुआ है, जो अलग अलग पार्टीज का है, NCP उसका एक गढ़ है वहां पर, उस जगह से आप माने ना माने NCP की सीटें उतनी आनी है जितनी आती हैं। बीजेपी वहां पे अपने आप को बड़ा भाई बनाती गई है, उसका वोट परसेंटेज बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पूरी तरह से भी खत्म नहीं हुई है। कांग्रेस भी अपनी जगह पर है, उसके वोटर भी उसके साथ इंटैक्ट है। बात शिवसेना की, तो शिवसेना वो वाली पार्टी रही है। आप ये मत भूलिए कि भले ही विधानसभा या लोकसभा में क्या होता है, अगर MCD की बात करेंगे, अगर वहाँ के जो नगरीय निकाय हैं उनकी बात करेंगे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करेंगे, तो वहाँ पर शिवसेना हमेशा से काबिज रही है, अलग अलग जगहों पर काबिज रही है। शिवसेना का जो वोटर है वो इंटैक्ट रहा है। अब क्या हुआ था, अभी रिसेंट जो पूरा घटनाक्रम हुआ था जिसमें एकनाथ शिंदे CM बन गए, उसमें शिवसेना टूट गई। शिवसेना टूटी, दो हिस्से हो गए, वहां तक भी चीजें ठीक थी, शिवसेना का सिंबल तक चला गया। तो बाला साहेब ठाकरे का नाम और शिवसेना लोगों के साथ जुड़ी हुई है। और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे वो बैग उठा के निकले थे मुख्यमंत्री आवास से, उसके बाद ये खबरें आई कि मातोश्री तक उनके हाथ से चला गया, ये वाला भवन चला गया, ये लग रहा था कि इससे शिवसेना टूट जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा, उद्धव ठाकरे सिंपथी गेन कर गए। देखिए अभी सरकार में कौन आएगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये सब होता है सीटों के इक्वेशन पे, और उस इक्वेशन को आप माने ना माने सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, वही चलाएगी, वो जिस तरीके से चलाएगी उसी तरफ राज्य का जो सियासत है वो जाएगी। लेकिन ये तय है एक बात, तो एकनाथ शिंदे का जाना इसलिए तय माना जा रहा है क्योंकि बहुत जल्दी वहां पर बहुत ज्यादा इक्वेशन बदल रहे हैं। देखिए NCP लगातार वहां पर पावर टसल जो चल रही है उसमें अब NCP आगे आती दिखाई दे रही है। अंदरखाने 3 खबरें चल रही है जिसका मैं आपको जिक्र कर दूं यहां पर। अंदरखाने 3 खबरें ये चल रही है कि NCP बीजेपी दोनों साथ में जा सकती हैं। दूसरी चीज ये है कि फडणवीस जो है वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं क्योंकि देखिए एकनाथ शिंदे को उस वक्त एंड वक्त पर इन्होंने अलग गए, उसके बाद मुख्यमंत्री बना दिया। माना ये जा रहा था कि वो डिप्टी CM बनेंगे, अगर वो डिप्टी CM बनते और फडणवीस मुख्यमंत्री बनते तो शायद ये इक्वेशन पूरा टर्म अपना कर लेता, लेकिन उस वक्त उन्होंने अपनी शर्तें रखी और वो CM बनने के बिना राजी नहीं हुए। हालात कुछ ऐसे रहे कि वहां पर बीजेपी को उनकी बात माननी पड़ी और बीजेपी ने उनको CM प्रोजेक्ट कर दिया। लेकिन फिर भी ये माना जा रहा था कि देखिए कद, देखिए आप कद में जो एकनाथ शिंदे हैं वो फडणवीस से छोटे हैं, बहुत हद तक छोटे हैं, और इसीलिए वो इक्वेशन जम नहीं पा रहा था। कई जगह पर अलग अलग चीजें ऐसी हो रही थी जिससे साफ दिखाई दे रहा था कि यहां पर पावर टसल आज नहीं तो कल दिखाई देगा, और वो दिखाई देने लगा। अब अगर चुनाव होते हैं, अभी जो सी वोटर ने सर्वे किया, अगर चुनाव होते हैं तो आप साफ देखिए 3 लोगों के नाम सामने आए, उद्धव ठाकरे,
उद्धव ठाकरे के बाद फडणवीस के बाद अजीत पवार आ रहे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे नहीं आ रहे हैं जो अभी मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। मतलब आप देखिए कि अभी तो आप मजबूरी में मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन आप जनता की पसंद नहीं, और अगर आप जनता की पसंद नहीं होगी तो फिर बीजेपी आपको कैसे आगे कैरी करेगी? आप एक तरीके से बर्डन बन जाएंगे, उस बर्डन को अनलोड किया जाएगा, बीजेपी अनलोड करेगी, एकनाथ शिंदे को साइडलाइन किया जाएगा। होगा वही जो उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ किया, ना वो घर के रहे ना घाट के, आने वाले दिन में यही सिचुएशन आप देखेंगे। लगातार आप देखिए जो बयान आ रहे हैं, उन बयानों से भी आप अंदाजा लगाइए दो चीजें वहां पर अभी बड़ी चल रही है। एक तो ये इक्वेशन चल रहे हैं, एनसीपी शरद पवार जो है बार बार बयान देके इशारा कर रहे हैं, और उनके तमाम नेताओं के बयान भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ पोलाइट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो ये बताता है कि अंदर खाने एनसीपी और बीजेपी में कुछ चल रहा है। दूसरी चीज, कोर्ट के अंदर मामला है, कोर्ट के अंदर मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में, उसके अंदर कपिल सिब्बल ने दलीलें दी, बड़ी दलीलें दी। उन्होंने न सिर्फ राज्यपाल जो उस वक्त कोश्यारी थे उनके ऊपर सवाल खड़े कर दिए, बल्कि जिस तरीके से उस वक्त डिप्टी रजिस्ट्रार को हटाया गया उसको लेकर भी सवाल खड़े कर दिए कि एनसीपी के डिप्टी रजिस्ट्रार थे उस टाइम, और उस वजह से कपिल सिब्बल की दलीलों को देख के लग रहा है कि फैसला हक में आ सकता है उद्धव के, और अगर ऐसा हुआ तो फिर सारी सिचुएशन बदल जाएगी उद्धव के लिए, यहाँ पर चीजें बेहतर हो जाएगी। उद्धव कहीं ना कहीं ये बताने में कामयाब रहे हैं जनता में भी कि मेरे साथ गलत हुआ है, और उसी को लेकर वो आने वाले चुनाव में जाने हैं, और इस चुनाव को लेकर आप अभी से तैयारी उन्होंने शुरू कर दी। आप जगह जगह देखेंगे उद्धव की बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है, उसमें लोगों की भीड़ आ रही है। सबसे बड़ी वजह वही है नमता, जो मैंने आपको पहले भी कहा था, सेना भवन। सेना भवन जो छोटे छोटे कार्यालय हैं, बूथ कार्यालय हैं शिवसेना के, जिन्हें सेना भवन कहा जाता है, उनके ऊपर अभी भी उद्धव ठाकरे का ही कब्जा है, और वो सेना भवन एक तरीके से जो वोटर्स हैं उनके अंदर पावर अप पंप अप करते हैं। वो लोग जो सालों से जगह जगह रह रहे हैं, उन लोगों को वहां पर सेना भवन के जो है अधिकारी बनाया गया, और वही लोगों को मोबिलाइज करते हैं वोटिंग करने के लिए, और वो लोग मैसेज दे रहे हैं सब जगह कि देखिए उद्धव के साथ क्या हुआ, उद्धव के साथ क्या हुआ। बाला साहेब ठाकरे का जिक्र किया जा रहा है कि देखिए बाला साहेब ठाकरे ने इतना बनाया, जिस आदमी को शिंदे को वो धोखा दे गया, और वो भी तब धोखा दे के गया जब पहली बार कोई बाला साहेब ठाकरे के परिवार का शख्स था जो मुख्यमंत्री बना था, कभी इन्होंने पद नहीं लिया, उस वक्त जब पद लिया तो इस तरीके से उनके साथ कहने का मतलब किया गया। कहने का मतलब यही है कि बाला साहेब ठाकरे को लेकर ही शिंदे आगे बढ़े थे, और शिंदे गुट के कई नेताओं ने यह बयान दिया था कि क्योंकि उद्धव ठाकरे बाला साहेब ठाकरे के उसूलों पर नहीं चल रहे थे, वो उन चीजों के साथ समझौता कर रहे थे जिनके साथ बाला साहेब ने कभी नहीं किया। लेकिन ब्लड मायने रखता है, और उद्धव ये बताने में कामयाब है कि बेटा मैं ही हूं। बिल्कुल, और उन्हीं बाला साहेब को एक बार से फिर से बीच में लाकर अब यही सारी बहस जो है आगे शुरू हो गई है। अब आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो देखना वाकई में दिलचस्प होगा, लेकिन यहाँ पर एक और नाम सामने आया है रामदास अठावले का। रामदास अठावले को अक्सर शेरो शायरी करते हुए हमने देखा है सदन में, किस तरह से वो अपनी बात रखते हैं, मोदी सामने बैठे हो सोनिया गांधी सामने बैठे हो हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं। रामदास अठावले इस पूरे विवाद में कूद गए हैं, उनका एक बयान सामने आया है, उन्होंने कहा कि अगर ये सारी चीजें महाराष्ट्र में चल रही हैं तो फिर तो मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। इसके बाद फिर उन्होंने शरद पवार को आमंत्रित किया कि आप भी हमारे साथ ही आ जाइए, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, रामदास अठावले मुख्यमंत्री बनने की बात कह रहे हैं। देखिए रामदास अठावले जो है वो मुख्यमंत्री किस बिना पे बनेंगे, वो दलित कार्ड खेल रहे हैं। नहीं, दलित कार्ड तो खेलेंगे, लेकिन आपके लिए उसके लिए उनके पास, नहीं, हाँ। आपके पास जगह होनी चाहिए, जगह आपकी पार्टी जो है उस पार्टी से एक विधायक नहीं है, नहीं है, हाँ। एक सांसद नहीं है, आप जो है राज्यसभा से जाकर बीजेपी के दम पर तो केंद्र में बैठे हुए हैं, आप बोल रहे हैं कि आप सरकार बना लेंगे, आपका वोट बैंक छितरा हुआ है, अलग अलग जगह पर है, लेकिन ये मानिए एक सीट आप नहीं जीत पाते हैं अगर विधायक की, तो आप मुख्यमंत्री बनने की बात क्या कह रहे हैं। तो रामदास अठावले को यहां पर मैं सिरे से खारिज करूंगा। आने वाले वक्त में तीन इक्वेशन यहां पर बनती दिखाई दे रही है, या तो एकनाथ शिंदे बैक में आ जाएं, पीछे हो जाएं, और ये मान लें कि मैं पीछे डिप्टी सीएम मुझे बना दो और फडणवीस को सीएम बना दो, अदला बदली हो जाए तो ये लंबा खिंच जाएगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे के लिए अब देखिए डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, तो इस तरह का अगर वो करते हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है, वो अपने आप को बचा के ये सर्वाइव कब तक चलेगा। इलेक्शन जैसे ही लोकसभा के होंगे, एकनाथ शिंदे के साथ रखना बीजेपी को भी नुकसान देगा, बीजेपी को नुकसान देगा अगर ऐसे जो अभी के मैं सर्वे के आधार पर कह रहा हूं, क्या होगा उस वक्त मुझे नहीं पता, लेकिन सर्वे ये बता रहे हैं कि बीजेपी को नुकसान देगा, तो उनको वो हटा सकते हैं। एनसीपी के साथ अगर जाके सरकार बनाते हैं तो दूसरा इक्वेशन ये है कि एनसीपी और बीजेपी की वो बन जाएगी, उसमें क्या होगा, उसमें देखिए डिप्टी सीएम अभी भी है फडणवीस, तो फडणवीस डिप्टी सीएम ही रहेंगे या बीजेपी बैक में रहेगी,
उसके बाद एनसीपी से वो गठबंधन करे ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए एनसीपी को बैक में आना पड़ेगा और फडणवीस को मुख्यमंत्री बनेगा। दो इक्वेशन में फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तीसरा इक्वेशन ये है कि शिवसेना उद्धव और बीजेपी के बीच फिर से कोलैबोरेशन हो जाए और वहां से कोई नया फॉर्मूला निकल जाए, क्योंकि ये मानिए ना मानिए आप, सबसे बढ़िया बीजेपी का कोएलिशन जो रहा है महाराष्ट्र के अंदर वो उद्धव शिवसेना से ही रहा है और वही लंबा किस्ता भी। लेकिन एक और चीज है, अगर देवेंद्र फडणवीस मान लीजिए उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो एकनाथ शिंदे के पास सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि वो अगर डिप्टी सीएम उनको ऑफर किया जाता है पद तो वो ले ले, क्योंकि आपने देखा जब वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने उस वक्त वो जिस तरीके से आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे या बात रखते थे कहीं ना कहीं बराबर में देवेंद्र फडणवीस बैठते थे, लेकिन वो सुनते उन्हीं की थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा है, कई बयानों में हमने देखा है, देवेंद्र फडणवीस का पद वही रहा जो अब तक हम लोग देखते आए थे। अब एकनाथ शिंदे झुके झुके से नजर आते थे या कह लीजिए दबे दबे से नजर आते थे, तो ऐसे में अगर अदला बदली होती है इनके पदों की तो एकनाथ शिंदे के लिए बेस्ट ऑप्शन देखिए महाराष्ट्र के अंदर पद और कद ये दो चीजें हैं। पद भले ही शिंदे के पास था लेकिन कद बड़ा फडणवीस का ही था और वही दिखाई दिया है, हर बार दिखाई दिया। और देखिए आप माने ना माने, आप देखिए ना एक्सपीरियंस कितना है, फडणवीस सफल सरकार चला चुके हैं इसके बाद, उनके काम जो है वो बोले हैं। लेकिन इस दौरान फिर आते हैं उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे का टेन्योर बहुत कम रहा, लेकिन उद्धव ठाकरे ने उस कम टेन्योर के अंदर उन्हें सपोर्ट किसका मिला, चाणक्य कौन है महाराष्ट्र का, जिसको मैं बार बार कहता हूँ महाराष्ट्र में सरकार किसी की भी हो चाणक्य अगर कोई है तो वो शरद पवार है, और शरद पवार ने बैकिंग करके सरकार चलवाई, उसका असर दिखाई दिया। कई ऐसे काम इन्होंने किए जो आम लोगों के हित के काम थे और वो कनेक्ट कर गया शिवसेना को। दूसरी बात एक अच्छी ये हुई है, देखिए मैं रत्नागिरी और यहाँ जो बेल्ट है, जिस बेल्ट के अंदर एनसीपी का अच्छा होल्ड है, जहाँ पर शिवसेना का अच्छा होल्ड है, वहाँ पर मेरी लोगों से बातचीत हुई थी और उनसे जब ताज़ा वाक़या मैंने जानने की कोशिश की कि आखिर ये सिचुएशन क्या है, इस सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं, तो हुआ ये है कि अभी तक शिवसेना हार्डकोर हिंदुत्व कार्ड खेलती थी, लेकिन हार्डकोर हिंदुत्व कार्ड खेलने के बाद भी शिवसेना के अंदर एक चीज है जिसका वो एज लेती है, वो है महाराष्ट्र। वो महाराष्ट्र के लोगों को तरजीह देती है और इस वजह से उसका हर जाति हर धर्म के लोगों के अंदर होल्ड पकड़ अच्छी है। अब मैंने मुस्लिम लोगों से बात की, मुस्लिम लोगों से जब ये एनसीपी और इनके साथ जब इनका कोएलिशन हुआ है तो मुस्लिम लोगों का भी सपोर्ट उनके साथ चला गया, यानी कि अभी सिचुएशन ऐसी है कि अगर आज के वक्त में चुनाव होते हैं मानिए ना मानिए आप उद्धव एकाएक बूम करके आगे निकले। तो ये ही कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है वो सी वोटर वाला सर्वे और जो बात आपने कही आपका जो एक्सपीरियंस रहा लोगों के साथ का वो भी। खैर अब आप बताइए, आप जो महाराष्ट्र में सब कुछ हो रहा है उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, और एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच अगर अदला बदली होती है पदों को लेकर तो क्या आपको लगता है सही होगा एकनाथ शिंदे के साथ? उद्धव ठाकरे को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।